5 रुपया चढ़ावे तो गुरु जी उसको सड़ा हुआ अंगूर पकड़ा मैं, ये गुरु का लक्षण नहीं है। सचिव हैं विदुर जी, राजा हैं धृतराष्ट्र जी, छोटे भाई हैं इसलिए झूठ नहीं बोलते। भैया इसको निकाल दीजिए, ये शैतान है, ये राक्षस है, ये कलयुग है। कौन? कौन? दुर्योधन। कुछ ना बोले धृतराष्ट्र। एक बात कहूं, जब आपके घर वाले आपके बात को सुनते हुए भी अनसुना करना शुरू कर दें, तो कृपया आप घर में सलाह देना बंद कर दीजिए। भैया संसार का मात्र एक सूत्र है, यदि आपकी जेब भरी है तो पूरे शहर में पूरे गांव में आपको काका चाचा नाना कहने वाले मिलेंगे। सच्चाई कह रहा हूं, बुरा लगे तो बुरा मान जाइएगा, केवल कथा सुनने आ जाइएगा, बाकी हमसे भले दोस्ती नहीं रखिएगा। सच्चाई यही है कि मैया बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया। विदुर चाचा का समय खराब है ना, तो वो भाई जो कल तक विदुर के कहने पर ही चला करते थे, अब समय खराब है तो विदुर को अनसुना कर दिया। विदुर चाचा समझ गए अब हमारी आवश्यकता यहाँ नहीं है। बहुत ध्यान से माताएं, बुजुर्ग माताएं बैठी हैं, कथा की एक शिक्षा लेकर के जाना। हिंदी सब लोग समझ रहे हो ना, सब समझ रहे हो ना। शिक्षा ये है कि जब बहू और बेटा आपकी बात सुनना बंद कर दें तो आप उनसे बात नहीं किया करो, जब वो सुनना बंद कर दें तो आप कहो गुरु जी हम किससे बात करें। मैं बताऊं किससे बात करो, इनकी फोटो उतार के ले जाना, घर में लगा लेना और इनसे बैठ के बात करना शुरू कर देना, तुम्हारा आनंद ही आनंद। घर वालों को शिक्षा तभी तक दें जब तक वो शिक्षा ले। विदुर चाचा समझ गए मेरी जरूरत यहाँ है नहीं, छोड़ करके घर चल पड़े। शास्त्रकार कहते हैं कि विदुर जी नहीं चले, यहाँ पर कौरवों की आयु चली है। सनिर्गत कौरव पुण्य लब्धा, गजा हुआ तीर्थ पद पदानी। जब विदुर चाचा चले ना, विदुर चाचा चले तो शास्त्र कहते हैं, व्यास जी लिखते हैं, शुकाचार्य भगवान परीक्षित को सुनाते हैं, परीक्षित ये अकेले अकेले विदुर नहीं जा रहे हैं, आज तक जिनके भाग्य की वजह से कौरव जीवित थे, आज कौरवों का भाग्य जा रहा है। ये विदुर के जाने के बाद अब कौरवों को बचाने वाला कोई बचा नहीं, अब कौरव बहुत जल्दी मर जाएंगे। विदुर चाचा बाहर निकले, भगवान शांति दूत बन के आए। टीवी में आपने देखा होगा कि युद्ध रुक जाए तो भगवान प्रस्ताव देते हैं दुर्योधन को, भैया एक काम करो, पांडवों को केवल 5 गांव दे दो। कितने गांव? 5 गांव दे दो, मैं तुमसे वादा करता हूँ युद्ध नहीं होगा। दुर्योधन ने कहा ग्वारी है कहीं के, जंगली कहीं के, तुझे राजनीति आती है क्या, तू तो गैया चरा। भगवान ने कहा अच्छा ठीक है भैया मैं जाऊं। अच्छा दुर्योधन ने बुद्धि लगाई कि और तो सब ठीक है, यदि भगवान हमारी तरफ आ जाएं तो फिर हमें कोई हरा नहीं सकता है, भगवान हमें मिल जाएं तो हमें कोई हरा नहीं सकता है। भगवान के लिए 56 भोग बनवाया था, द्वारिकाधीश मैंने 56 भोग बनवाया है खा लो। भगवान ने कहा देख भैया भोजन दो ही स्थिति में होता है, या तो अपने पेट में भूख हो या तो आपके पेट में प्रेम, या तो हमारे भीतर भूख हो तो या तो आपके भीतर प्रेम हो। कई बार हमें भूख नहीं होती फिर भी लोग बाध्य, गुरुजी एक रोटी मेरी तरफ से। मैं कई बार जाता हूँ, लोग जब पेट भर जाता है घर वाले, गुरुजी मेरी एक रोटी, मजबूरी में खाना पड़ता है, सही है कि नहीं। आप कभी मेरे आश्रम वृंदावन आओ, परिक्रमा मार्ग में बना रहा हूँ, प्रमोद भैया लोगों का काफी सहयोग है, उनके पिताजी उन्होंने कहा देखो तुम तो मेरे बेटा हो, 2 बेटा के लिए मैंने यहाँ बना दिया है, तुम्हारे लिए मैं वहां रह करके धन का सहयोग नहीं हो पाए तो मैं जितने दिन रह पाऊंगा तन से तुम्हारे आश्रम के लिए योगदान करूंगा। और वो बाबूजी यहाँ कथा में मैंने उनको रोक के रखा है कि थोड़ा रुकिए, क्योंकि यहाँ मैं भजन वजन गाता हूँ और उनके सामने कथा में भजन वजन गाओ तो वो तो नाराज हो जाते हैं, क्योंकि खुद विद्वान है वो, शास्त्री है। विदुर चाचा बाहर खड़े हैं, भगवान ने कहा भैया ना तेरे भीतर प्रेम है ना मेरे भीतर भूख है, भोजन की बात फिजूल है, पर सुन दुर्योधन आज हमारा निमंत्रण है। कहाँ? भगवान ने कहा विदुर चाचा के यहाँ। अब विदुर चाचा पीछे खड़े होकर सोचे हमने कभी इनको निमंत्रण दिया?
पर जानते हैं कह रहे हैं तो जाएंगे जरूर, घर में कुछ खाने को है नहीं, खाएंगे क्या, बाजार दौड़े झोला लेके कुछ तो खरीद लाऊं। उधर बाजार गए, इधर भगवान रथ में बैठ करके पहुंचे विदुरानी के यहाँ। जैसे एक भक्त भगवान के मंदिर जाता है तो जूते चप्पल दूर खोजता, कर लो दर्शन, त्रिलोक में तुम्हें ऐसा भगवान मिलने वाला नहीं है, कहाँ मिलेगा। जैसे भक्त मंदिर में जाए तो जूते चप्पल दूर खोलता है, आज भगवान जब भक्त विदुर के घर पहुंचे तो जूते चप्पल अपने चरण पादुका को भगवान ने दूर खोला। जैसे भक्त मंदिर जाए तो हाथ पांव धोता है, भगवान ने भी भक्त विदुर के कुटिया पे जाने के पहले हाथ पांव धोया। जैसे भक्त मंदिर जाता है तो मंदिर की पहली सीढ़ी को प्रणाम करता है, कर लो दर्शन, उस टूटी झोपड़ी के टूटी सीढ़ी को द्वारिकाधीश भगवान ने माथा धर के प्रणाम किया और आवाज लगाई, चाची ओ चाची। अच्छा सोचो, उसकी कथा जब इतनी अच्छी लगती है, हम जैसा मूर्ख जिसको दो अक्षर का ज्ञान नहीं है, कुछ सही कुछ झूठ लपेट के सुना रहे हैं, आप बावरे होके सुन रहे हैं, सोचो अगर वो भगवान प्रकट होके खुद बोलना शुरू कर दे तो कितना सुंदर लगेगा, कितना मीठा लगेगा। थोड़ा आप कल्पना करके देखो, विदुरानी स्नान कर रही थी, कान में शब्द गया, चाची कान खड़े हो गए, इतना सुंदर कौन बोल रहा है। फिर आवाज आई, चाची दरवाजा खोलो ना। दौड़ के विदुरानी आई, सामने खड़े हैं कौन, कौन खड़े हैं, अरे जिनके दर्शन के लिए हमको तुमको आंखें मिली हैं, हमको आपको आंखें जगत को देखने के लिए नहीं मिली हैं, हमको आपको आंखें मिली हैं जगन्नाथ को देखने के लिए। वही भगवान जगन्नाथ सामने खड़े हैं। विदुरानी के आंख से झरझर आंसू बहने लगे। भगवान ने कहा, चाची दरवाजे के बाहर खड़ा रखोगी कि भीतर आने को कहोगी। विदुरानी ने कहा, सरकार पधारिए जल्दी। भीतर बुलाया, एक ऐसी चौकी उठाई और भगवान को बैठने को कहा। जेठ का महीना होगा, दोपहर के 12:30 बज रहे होंगे, सूर्य बिल्कुल मध्य में है। जेठ में कैसी गर्मी पड़ती है आपको पता होगा, क्योंकि आपके यहाँ भी खूब गर्मी होती है। मुंबई में तो गर्मी भी कम होती है, ठंड भी कम होती है। इस बार तो मेरा बड़ा मजा रहा, मैं नवंबर भी उधर बिता के आया, पूरी जनवरी भी उधर बिता के आया। इधर खूब कड़ाके की ठंडी पड़ती थी, वहाँ खूब कूलर चला के सोता था, बढ़िया चक्का चक्का। पर आपको पता है गर्मी में कैसी गर्मी होती। द्वारिकाधीश भगवान आंगन में है, विदुरानी पूरब की तरफ चौकी धर दिया, यहाँ बैठो। भगवान बैठने लगे, विदुरानी ने चौकी सरका दिया, रुको रुको, दाहिनी तरफ ले गई, यहाँ बैठो। भगवान बैठने लगे, विदुरानी ने फिर रोक दिया, पश्चिम की तरफ ले गई, यहाँ बैठो। बैठने लगे, बोले रुकिए गड़बड़ हो गई, उत्तर की तरफ लेके गई, यहाँ बैठिए, फिर रोक दिया। भगवान ने कहा, आखिर बैठो कहाँ, दोपहर के 1 बज रहे होंगे, कड़ाके की धूप है, आंगन के बीच में चौकी को धर दिया, सरकार आप तो यहाँ पधारिए। भगवान बैठ गए, मानो विदुरानी का भाव है, सरकार ये 3.5 हाथ का जो शरीर है ना, यही आंगन है, इस आंगन के ना पूरब बैठिए, इस आंगन के ना पश्चिम बैठिए, इस आंगन के ना उत्तर बैठिए, इस आंगन के ना दक्षिण बैठिए, इस आंगन के मध्य मतलब आप भक्तों के दिल में बैठिए, इसलिए चौकी को बीच में धरा है। भगवान बैठे हैं, ए चाची 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 भूख लगी है। विदुरानी सोचती है, 4 दिन से कुछ बना नहीं, क्या खिलाऊं। याद आया वो 3 दिन पहले विदुर चाचा 2 केले कहीं से लाए थे, वो मंदिर में धरा है। दौड़ के गई, भगवान मैं खिला दूं आपको, भगवान ने कहा खिला दो, आप कभी देखना, आप कभी देखना, जब भगवान के सामने आप भाव में मस्त हो जाओगे, आपकी आंखें गीली हो जाएंगी, आपका होंठ थोड़ा फड़फड़ाने लग जाएगा, आपका गला थोड़ा अवरुद्ध हो जाएगा, आपकी आंखें अपने आप बंद हो जाएंगी। जैसे भगवान को याद करके भक्त की आंखें बंद हो जाती हैं, ऐसे भक्त को याद करके भगवान की भी आंखें बंद हो जाती हैं। विदुरानी की आंखें बंद हैं, द्वारिकाधीश की आंखें बंद हैं। विदुरानी ने कहा, कन्हैया मैं अपने हाथ से आपको केला खिला दूं। केले का छिलका उतारा, केला नीचे पटक दिया और भगवान के मुंह में लगा दिया। गोपाल चले आओ, नंदलाल चले आओ, हमरे भोजन का भोग लगा जाओ।
एक एक केले का छिलका पूरा खिला दिया। आंखें बंद हैं, भगवान को कहा और खिलाऊं, भगवान ने कहा खिला दो। विदुरानी चाची ने दूसरा केला छीला, केला नीचे पटक दिया, छिलका हाथ में लिया, भगवान के मुंह में लगा दिया। गोपाल चले आओ, नंदलाल चले आओ, हमरे भोजन का भोग लगा जाओ। तब तक बाहर से आवाज आई, अरे विदुरानी, आज हमारी कुटिया पुनीत होने वाली है, आज हमारी कुटिया में द्वारिकाधीश पधारने वाले हैं। विदुरानी दौड़ के दरवाजे में आई, बोली धीरे से बोलो, पधारने वाले नहीं, श्रीमान जी पधार चुके हैं। कुछ खिलाया पिलाया, भूखे बहुत थे, वहां कह रहे थे निमंत्रण है। विदुरानी ने कहा कुछ था नहीं, दो केले थे ना, वही खिला दिया, अच्छा किया। तब तक विदुर सामने आए तो केला नीचे पड़ा है। अरे दुष्टनी, तुमने कहा केला खिलाया, केला तो इधर है। विदुरानी भी फटी फटी आंख से देखें और सोचे हमने तो खिलाया था, ये कहां से आया। फिर थोड़ी देर में याद आया, लगता है मैं भाव में भगवान को छिलका खिला गई। कभी अपना कान पकड़े माफ कर दो, कभी भगवान का पांव पकड़े माफ कर दो। भगवान ने कहा चाची ठीक है ना, आप शांत रहिए। विदुर ने डांटा, बाबुली कहीं की, पगली कहीं की, अरे बड़े बड़े धनाढ्य, बड़े बड़े अमीर, छप्पन भोग, पूरी, कचौड़ी, रसमलाई, बालू शाही, कलाकंद, इमरती धर के कहते एक बार आ जाओ, नहीं आता, तेरे घर आया तो तुमने छिलके खिला दिए, पागल कहीं की, पगली कहीं की। विदुरानी कान पकड़ के खड़ी है, जल्दी से थाली ले किया, भीतर से थाली मंगवाया, बाजार से जो मिठाई खरीद के लाए थे थाली में धरा। और भगवान को विदुर चाचा कहते हैं, मैं मेरे हाथ से खिला दूं, खिलाओ। और लड्डू का पहला गस्सा दिया, भगवान को मुंह में धरा। कहो द्वारिकाधीश कैसा लगा, भगवान ने कहा और खिलाऊं तब बताऊं कैसा लगा। एक और खिलाया, अब बताओ कैसा लगा, बोले और खिलाओ तब बताऊं कैसा लगा। तीसरा खाया, अब बताओ कैसा लगा। द्वारिकाधीश भगवान ने कहा सही सही बताऊं कि झूठ बोलूं, सही सही बताओ द्वारिकाधीश इस मिठाई का स्वाद कैसा है। भगवान रोने लगे, चाचा सच की बात यह है कि जो स्वाद चाची के केले के छिलके में था, वो स्वाद इस मिष्ठान में नहीं है। जो स्वाद माता शबरी के जूठे बेर में था, वो स्वाद इस मिष्ठान में नहीं है। इसीलिए तो भगवान को भक्त वत्सल कहा जाता है।